अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर एक एंड्रॉयड मोबाइल की नई ट्रैक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो ट्रैक है मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल के लिए, वो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब ये कि आप किसी भी एक एंड्रॉयड डिवाइस में, अपने मोबाइल में, अगर वो चाहते हैं कि आपके मोबाइल में आप वो 3 से 4 या 5 जितने भी आप व्हाट्सएप के जो हैं, मतलब कि अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, या एक ही डिवाइस पे आप अनलिमिटेड फेसबुक के अकाउंट बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, IMO, उसके बाद जितनी भी सोशल साइटें हैं ना, एक मोबाइल पे आप अनलिमिटेड अकाउंट बना सकते हैं। तो चलते हैं ट्रैक की तरफ। आपने सबसे पहले करना क्या है कि गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, उसके बाद सर्च में जाके पैरालल स्पेस लिख के सर्च करना है। आपके पास जो पहला ऑप्शन आएगा वो आपने डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इंस्टॉल पे यस करें और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि ये मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे कोई अकाउंट वगैरह ब्लॉक नहीं होता। मैं अपने एक एंड्रॉयड मोबाइल में, जो मेरे पास मोबाइल है, उस पर मैंने 3 नंबरों से व्हाट्सएप के अकाउंट बनाए हुए हैं, और 3 अपनी फेसबुक आईडियां बनाई हुई हैं, और 2 नंबरों पे अभी IMO अकाउंट खोला हुआ है, तो वो चला रहा हूँ। ये हमारा डाउनलोड हो गया है, अभी ओपन इसे करेंगे। स्टार्ट पे यस करें तो ये सामने आ गया है मेन्यू। इसमें आपने वो एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है जो आप मतलब रखना चाहते हो। मैंने एक व्हाट्सएप की है, IMO की है, मैसेंजर की है, जीमेल की है। ये फेसबुक यूसी ब्राउज़र को ख़त्म करता हूँ, फेसबुक कर देता हूँ, और ऐड टू पैरेलल स्पेस में लिख यस करता हूँ। ये हमारी 5 जो है एप्लीकेशन आ गई हैं। अगर आप मज़ीद बीच में ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लस के बटन पे यस करेंगे। इसमें से अगर आप कोई और अकाउंट भी बीच में ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए दोबारा ओपन किए कि आप इधर से ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मतलब YouTube पे भी आप यस कर दें तो जब प्रेस करेंगे YouTube आपका आ गया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें करना क्या है। बैग जाता हूँ मैं, अपना आपको WhatsApp का अकाउंट दिखा देता हूँ। ये WhatsApp है मेरा, जो पीछे मोबाइल में पड़ा है, इसमें मेरा ये अकाउंट बना हुआ है। अभी मैं आपको दूसरा अकाउंट बना के दिखाता हूँ कि एक मोबाइल पे किस तरह 2 या 3 व्हाट्सएप के आप मतलब कि आईडी चलाएंगे। एक पीछे बैकग्राउंड मोबाइल में चल रहा है, दूसरा इस एप्लीकेशन में मैंने जो किया है वो। ये व्हाट्सएप मैंने ओपन कर दिया है। एग्री एंड कंटिन्यू। इधर मैं अपना मोबाइल लिखूँगा, पहले जो मेरा मोबाइल नंबर है वो, पहले जो अकाउंट है वो और नंबर पर है। अभी मैं अब यहाँ दूसरा अकाउंट बनाऊँगा। नेक्स्ट पे यस करेंगे। ये वेरिफिकेशन कोड जो है वो मांग रही है, जो मैंने नंबर डाल दिया है उस पर अभी मैसेज सेंड करेंगे, तो वो कोड मैं दूंगा। वो तो आपको पता ही होगा कि आप, क्योंकि आप एक तो ऑलरेडी अकाउंट इस्तेमाल कर रहे होंगे ना। ये मैसेज मेरे पास आ गया है, या मैं कोड लिखूंगा 532444।
ये नाम मांग रहा है, इधर नाम कोई भी लिख लो। और नेक्स्ट कर दो। ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा अकाउंट दूसरा भी खुल गया है। ये देखो, ये तमाम कॉन्टैक्ट आ गए हैं जो मेरे मोबाइल नंबर सेव हैं। अभी आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो व्हाट्सएप है, ये मेरा ओरिजिनल जो पहले से चल रहा है, और दूसरा जो अभी मैंने ये वाला खोला है, वो ये है। इसमें आपको प्रोफाइल चेक करा देता हूँ। ये डीजी वीर सी बनी हुई है, और जो ये वाली है, ये मेरे नाम से बनी हुई है, राना मसूद। तो इसमें कुछ और आपको मतलब कि अकाउंट बना के दिखाता हूँ मैं। इसमें भी हम IMO का अकाउंट एक और बनाएंगे। ये कोड आ गया 0998 8। इधर DJ वीर नाम रख देते हैं। और ये देखो, ये मेरा IMO अकाउंट भी दूसरे नंबर पे खुल गया है। अभी ये दो अकाउंट हो गए, एक ये DJ वीर के नाम से है, और दूसरा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मसूद के नाम से है। तो ये दो अकाउंट खोल गए हैं। आप इसी तरह जितने चाहे अकाउंट खोल सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जीमेल, कोई भी अगर आप खोलना चाहते हैं। अक्सर दोस्त ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, तो वो क्या होता है कि एक वेबसाइट से वो अर्निंग कर रहे हैं। तो काफ़ी वेबसाइट होती हैं कि आप एक मोबाइल या एक जो डिवाइस होती है उस पर एक अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का ये फ़ायदा है कि आप एक तो बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, और दूसरा इस एप्लीकेशन में UC ब्राउज़र ऐड करके उसमें भी अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये मेरी ट्रैक बहुत अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद ट्रैक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा दिल भी करे कि मैं आप लोगों के साथ मज़ीद ट्रैक्स जो हैं वो शेयर करता रहूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें। थैंक यू।